तो दे दे अगर मान लो इनका कोई योगदान है तो उस सुधार पे आप नहीं भी चाहोगे तो मामला पंजीबद्ध, उसमें धारा बढ़ेगी बढ़ेगी, आप उसकी चिंता मत करो। अपने को अभी ये करना है, क्यों आप न्याय मिलेगा ना, चिंता क्यों कर रहे हो, न्याय मिलेगा, आप जो चाह रहे वही होगा, अगर वैसी कंडीशन अगर हुई है तो वैसे ही होगा जो आप चाह रहे हैं। हम यही चाह रहे हैं फांसी को, अपने को पहले ये चल रहा है कि अपने वहाँ दो आदमी कौन चल रहे हैं अपने साथ में, पुलिस जा रही है, कोई नहीं जा रहा, कोई नहीं जा रहा, कोई नहीं जा रहा, कोई नहीं जा रहे, दो घंटे से लाश पड़ी हुई है, कब जाएंगे पुलिस प्रदर्शन, नहीं आपको उठाना नहीं है, आना किसी को नहीं है भाई, हमारे साथ और हमको मार के फेंक दे तो, हमको मार के फेंक दे तो, अरे सुनो तो यार, मेरे सुनो, अरे आप तो नहीं बोल रहे हो, मेरे भाई को वहाँ पे जैसा तूने फेंका है वैसे ही लाके लाएगा यहाँ पे। छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। डॉक्टर के द्वारा गलत इंजेक्शन लगने के बाद बुजुर्ग की मौत हो गई थी। इसके बाद गलती छुपाने के लिए डॉक्टर और उनके अन्य साथियों के साथ मिलकर मृतक को ठिकाने लगाने के लिए जबलपुर के बरगीत समीप नहर के पानी में फेंक दिया था और अब वापस अमरवाड़ा लौट गए थे। पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया है। दरअसल 2 दिसंबर को उपचार करने के लिए घर से अमरवाड़ा जाने की बात कहकर निकले थे बुजुर्ग, लेकिन देर शाम होने के बाद भी घर नहीं लौटे तो परिवार वालों के लोगों ने तलाश जारी कर दी, लेकिन बुजुर्ग मृतक पुसु का कुछ पता नहीं चल पाया। तो 3 दिसंबर को परिवार के लोगों ने अमरवाड़ा थाने पहुंचकर गुम हो जाने की शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद बुजुर्ग की तलाश करने में जुट गई, लेकिन पुलिस को 4 दिसंबर को जबलपुर के बरगी डैम में एक बुजुर्ग का शव मिलने की जानकारी मिली तो पुलिस ने परिवार वालों को लेकर बरगी डैम पहुंचकर शव का निकाला तो पुसू का ही शव था। तो फिर उस मामले की जांच पड़ताल की तो मामले का खुलासा हुआ और आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। छिंदवाड़ा एसपी विनायक वर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि 3 दिसंबर को गुमशुदगी की रिपोर्ट अमरवाड़ा थाना में किया गया था। गुमशुदगी की रिपोर्ट में बताया गया कि उपचार के लिए डॉक्टर के यहाँ गए हैं, इसके आधार पर जांच पड़ताल की गई तो दिसंबर को बरगी थाना क्षेत्र में मिली है। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि मृतक के द्वारा डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव ने गलत इंजेक्शन लगा दिया था जिसमें बुजुर्ग की मौत हो गई थी। इसके बाद बुजुर्ग का शव जबलपुर के बरगी डैम के समीप फेंक दिया और पुलिस ने इस मामले की डॉक्टर सहित 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 3 दिसंबर को एक गुमशुदगी रिपोर्ट लगाई गई थी थाना अमरवाड़ा जिला छिंदवाड़ा में। इस गुमशुदगी रिपोर्ट में कुशु राठौर करके व्यक्ति जो 61 साल के थे वहीं के निवासी थे का संबंध बताया गया था कि घर से चले गए हैं और डॉक्टर को मिलने गए थे, ऐसी रिपोर्ट दी गई थी। इसके आधार पर जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि 4 दिसंबर को थाना बरगी क्षेत्र में जब जो जिला जबलपुर में आता है उसमें एक व्यक्ति की लाश मिली थी और पुष्टि करने पर पाया गया कि जो गुमशुदा हुई थी उसी व्यक्ति की लाश जबलपुर जिले में थाना बरगी पाई गई थी। पुलिस इस मामले में जुट गई और पुलिस जांच पड़ताल से बात सामने आई कि मृतक के द्वारा डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव जो BHMS की डिग्री रखते हैं उनके पास कंसल्टेशन के लिए गया था, संभवतः सांस की समस्या को लेकर। उनके द्वारा एलोपैथिक इंजेक्शन को एक लगाया गया जिनको लगाने की अनुमति नहीं थी, मेडिकली वो अप्रूव नहीं थे इसके लिए। इसके बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए जिससे अपने बयान में श्रीवास्तव का कहना है कि व्यक्ति की डेथ हो जाती है और पैनिक में आकर इन्होंने इसकी बॉडी को जाकर बरगी क्षेत्र जबलपुर में फेंक दिया। इसी तारतम्य में पुलिस के द्वारा FIR दर्ज की गई जिसमें धारा 304, 201, 34 IPC शामिल है। दीपक श्रीवास्तव के साथ उनके भाई देवेंद्र श्रीवास्तव और उनके 2 कंपाउंडर कपिल मालवीय और प्रदीप डेहरिया, इनका नाम भी सामने आया है। सभी आरोपियों को
थाना वाड़ा पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया है और शीघ्र ही चालान भी पेश किया जाएगा। सर क्या धारा के तहत का है? धारा 304, 201, 34 जो बातें सामने आ रही हैं वो डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, एक्सीडेंटल डेथ इत्यादि के संबंध में है।